न बेसन न आटा न मैदा न सूजी आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार से चावल दाल से ये बहुत ही टेस्टी से कुरकुरे से नाश्ते तो जब भी कभी मन कर रहा है आपको कुछ अलग और नया खाने का तो आप इस रेसिपी को बना करके ट्राई कर सकते हैं तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी को देखते हैं कैसे बनाना है तो यहाँ पे मैंने ये आधा कप वाला मेजरमेंट कप लिया है आप कोई भी कप या कटोरी से ले सकते हैं तो यहाँ पे मैंने आधा कप मूंग की दाल ली है और उसका आधा मैंने यहाँ पे चावल लिया है तो इसे मैंने चार से पांच घंटे पहले भिगो दिया था अगर आपके पास समय कम है तो आप इसे गर्म पानी में एक घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं क्योंकि ठंडी का टाइम है तो इसे भीगने में थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए आप इसे गर्म पानी में तुरंत के तुरंत भिगो करके बना सकते हैं अब हम क्या करेंगे इसके पानी को निकाल करके मिक्सर जार में इसे पीस लेंगे तो पहले मैंने यहाँ पे चावल को पीस है बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे बहुत ज्यादा पानी नहीं ऐड करना है हमें क्योंकि इसका हमें थिक सा बैटर तैयार करना है तो यहाँ पे मैंने चावल को पीस लिया है उसी जार में मैं यहाँ पे मूंग दाल को भी बढ़िया से पीस लूंगी तो आप देख सकते हैं ये मैंने ट्रांसफर कर दिया है बस बिना पानी डाले हमें मूंग दाल को पीस लेना है तो चावल में मैंने थोड़ा सा पानी डाला था मूंग दाल में बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था क्योंकि ये बहुत अच्छे से भीगे हुए हैं तो इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी बस ये आराम से पिस जाएगा तो ये मैंने पीस करके चावल में ही मिला लिया है तो इसे अच्छे से मिला लेंगे आप देख सकते हैं बढ़िया सा स्मूथ सा बैटर हमारा थिक सा बैटर तैयार हो गया है तो इसी तरीके की कंसिस्टेंसी वाला बैटर हमें चाहिए चलिए इसे रख देते हैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए अब यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने तीन मीडियम साइज के इस तरीके के आलू ले लिए इसे बढ़िया से उबाल लिया है मैंने और इसे ठंडा करके छील लिया था तो जब आप इस तरीके की रेसिपी बनाएं तो आलू को इस तरीके से ठंडा करके ग्रेट करें ताकि इसका टेक्चर जो है वो बहुत ही बढ़िया आए इसमें पानी की मात्रा कम हो तो अब हम क्या करेंगे इसे अच्छे से ग्रेट कर लेंगे तो मैंने यहाँ सभी आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज का प्याज बारीक काट करके इसी के साथ डालेंगे एक हरी मिर्ची तीखा अपने अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अब यहाँ पे मैंने दो टेबल स्पून मूंगफली को अच्छे से दरदरा कूट लिया है कच्ची मूँगफली ऐड किया है मैंने रंगत के लिए डालेंगे हल्दी पाउडर आधा चम्मच साथ ही ऐड कर देंगे एक चम्मच अमचूर पाउडर अगर ये नहीं है तो चाट मसाला आप ऐड कर सकते हैं साथ ही आधा चम्मच जीरा ऐड किया है मैंने और एक चौथाई चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा और साथ ही साथ कलर भी आएगा अब यहाँ पे हरा धनिया ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे अब यहाँ पे मैंने एक चम्मच साबुत धनिया ले लिया है इसे हाथों से इस तरीके से क्रश करके ऐड करेंगे ताकि इसका फ्लेवर और ज़्यादा निखर के आए अब यहाँ पे आधा चम्मच सौंफ ऐड करेंगे और एक चौथाई चम्मच जीरा ऐड करेंगे आप यहाँ पे जीरा को स्किप कर सकते हैं क्योंकि हमने इसमें ज़ीरा पाउडर ऑलरेडी डाल चुका है तो इसे अब हम अच्छे से मिला लेंगे तो इसे मिलाने के लिए आप चाहे तो चम्मच से मिला लीजिए हाथों से मिला लीजिए मैंने यहाँ पे बढ़िया से इसे मिला लिया है इसे रखेंगे अब साइड में चलिए देख लेते हैं अपने दाल वाले बैटर को तो बैटर जो है वो बढ़िया से हमारा रेस्ट कर चुका है इसे थोड़ा सा मिला लेंगे इसमें डालेंगे हरा धनिया ढेर सारा साथ ही डालेंगे थोड़ी सी रंगत के लिए हल्दी एक चौथाई चम्मच के करीब आप यहाँ पे लाल मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और थोड़ा ही सा पानी डालेंगे लगभग एक से दो चम्मच के करीब इससे क्या होगा हमारे जो बैटर है वो पतला नहीं होगा इस तरीके की कंसिस्टेंसी वाला बैटर हम तैयार कर लेंगे तो ये हमारा बैटर रेडी हो गया है चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं तो अब फिर से ले लेंगे हम ये आलू वाला मिक्सचर और इसे इस तरीके से हम पोर्शन कट कर लेंगे और हाथों में इस तरीके से तेल लगाते हुए इसे गोल शेप दे देंगे टिक्की की शेप दे देंगे आप कोई भी शेप में इसे बना सकते हैं फिलहाल ये शेप आसान होता है बनाना तो इस तरीके से मैंने सारे बना लिए हैं अब यहाँ पे मैंने तेल गरम किया है और तेल गरम होने के बाद अब जो हमने दाल और चावल वाला बैटर तैयार करके रखा था उसमें एक आलू की टिक्की इस तरीके से डालेंगे और बस इस तरीके से इसे कोट करते हुए हमें डायरेक्टली फ्लेम पे ऐड कर देना है तो यहाँ पे फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई रखा हुआ है फ्लेम को ज़्यादा हाई पे नहीं रखेंगे मीडियम से हाई फ्लेम पे ही हमें इसे फ़्राई करना है तो आप यहाँ पे चाहे अगर बैटर को थोड़ा सा फ्लफ़ी बनाना चाहते हैं तो एक से तो दो चुटकी इसमें बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं जिससे आपका जो नाश्ता है वो और भी ज़्यादा फ्लफ़ी बन करके तैयार होगा तो हम क्या करेंगे इसे इसमें ऐड करने के बाद थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर तेल इसके ऊपर इस तरीके से डालते जाएंगे ताकि ऊपर से ही बढ़िया से पक जाए तो अब यहाँ पे गोल्डन फ्राई होने के बाद हमें इसे अच्छे से उलटते पलटते हुए नया ट्राई करने का मन करे तो इस तरीके से दाल चावल के ये पकौड़े बना करके खाइए आपको बहुत ही बहुत ही ज्यादा मजा आएगा तो आई होप आज की ये मजेदार सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी इसी तरीके की मजेदार रेसिपी के लिए अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब सब्सक्राइब करिएगा फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा मैं मिलती हूं कल एक और रेसिपी के साथ जय हिंद वंदे मातरम